नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जीएस प्लस के अंतर्गत जो पॉलिटी चल रही थी, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे लगभग 13 क्लासेस के बारे में मैंने आपसे विधिवत परिचर्चा की है। आज जो हमारा व्याख्यान है ये है क्रम में 14वां है, यानी आज सबसे महत्वपूर्ण हम एक भाग को पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान के, जो कि है नागरिकता। भारतीय संविधान में नागरिकता के क्या क्या प्रावधान हैं, विश्व के अनेक देशों में किन किन प्रकार की नागरिकता देखने को मिलती है। आप सभी जानते हैं कि जो यह प्रोग्राम चल रहा है, यह टीम परीक्षा प्लस के द्वारा आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क दिया जा रहा है, जिसमें हम डेली के तौर पर आपको 4 से 5 वीडियो जो उपलब्ध कराते हैं, जो पूर्णतया निःशुल्क है। यह आपकी आगामी परीक्षाएं जैसे UPSSI, उत्तर प्रदेश ESI या आप UPPCS प्रीलिम्स वगैरह जिसमें भी बैठने जा रहे हैं, सभी में कहीं ना कहीं लाभप्रद आपके लिए साबित होगी। तो टीम के द्वारा जो यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इसमें आप सभी की जो एक जिम्मेदारी बनती है वह यह है कि जितने भी आपके साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ठीक है, मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, उन सभी को हमारे चैनल से रूबरू कराएं और साथ ही साथ परीक्षा प्लस परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ाने में आप लोग मदद करिए, ठीक है। अगली बात, 10 प्लस कोर्सेस पर हम लोग फोकस होकर आपको पढ़ाते हैं, यानी हम लोग लगभग एक साथ 10 परीक्षाओं को टारगेट करते हैं, ताकि हम बेहतर से बेहतर अगर पढ़ाएं तो उनका लाभ आपको किन किन देशों किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे मिलेगा, इन तमाम चीजों पर फोकस होकर टीम काम करती है। और हमें यही उम्मीद है कि आप लोग जो है, जैसा कि अभी तक रिस्पॉन्स मिला है, दूसरी बार टीम के जो प्रयास होते हैं, आप जो लेक्चर्स देखते हैं उन सब में क्या चीजें होती हैं, टीम और बेहतर जो है लगातार करेगी, लेकिन उसके लिए आपको जो लेक्चर आप देख रहे हैं उसमें टीम के हौसला अफजाई के लिए कुछ ना कुछ 2-4 शब्द अपनी तरफ से कहकर जाएं, ठीक है। ऐसे उम्मीद होती है हमें भी आपसे कि आपकी जो वह पॉजिटिव कमेंट होंगे वह हमें और भी मोटिवेट करेंगे, जिससे हम नए से नया प्रोग्राम आप सभी की बेहतरी के लिए लाते रहेंगे। दोस्तों, 10 प्लस कोर्सेज के अंतर्गत जो हम प्रोग्राम चला रहे हैं, इसमें हम कई आपकी विभिन्न परीक्षाओं को एक साथ जो है दिशा देते हुए कार्य कर रहे हैं। इसमें लगभग अभी तक चाहे मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस में इतिहास है, और ये है आपका भी से पॉलिटी जो मैं पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा हिंदी भी, साथ साथ ग्रामीण विकास से भी संबंधित तमाम वीडियोज आप सभी को मिल चुके हैं, ठीक है। और आगे निरंतर ही ऐसे ही हमारा प्रयास होगा कि हम आपको सारे वीडियोज उपलब्ध कराते रहे। एक बात और दोस्तों, कि ये जितनी चीजें हम आपको दे रहे हैं, अगर आपको PDF प्रोग्राम से हमारे जुड़ना है, यानी हर एक चीजें नोट्स लेनी है, जितनी क्लासेज होती है उन सभी की आपको नोट्स चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, 3 महीने के लिए ₹500 खर्च करना है। एक बार में परीक्षा प्लस ऐप पर जाइए और ₹499 का पैकेज आप खरीद लीजिए, जहां से आपको सारी चीजें मिलती रहेंगी, यानी 3 महीने तक आपको जितनी क्लासेज होती हैं डेली 5 से 6, उन सभी की PDF आपको एक अच्छे फॉर्म में, मतलब एक गुणवत्तापूर्ण मटेरियल जो है मिलता रहेगा। तो आगे हम बढ़ते हैं, चीजों को ध्यान दीजिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर विश्व में कोई भी संप्रभु राष्ट्र है, तो उस राष्ट्र के पास एक लोकतांत्रिक होने के नाते एक विशेष अधिकार होता है, वो अधिकार होता है किसी भी संप्रभु राष्ट्र की नागरिकता। देखो, विश्व में हर एक राष्ट्र में 2 तरीके के नागरिक पाए जाते हैं, एक तो ऐसे जो उस राष्ट्र के नागरिक हैं, दूसरे ऐसे व्यक्ति जो किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक हैं। तो किसी भी राष्ट्र में 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं, एक उस राष्ट्र के नागरिक, दूसरे किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक। तो अपने राष्ट्र के नागरिकों को लेकर वह देश कैसे कैसे प्रावधान करता है, उन्हें कैसे कैसे जो है अधिकार देता है, और दूसरे देशों के नागरिकों के लिए वह देश कैसे कैसे अधिकार प्रदान करता है, इन सभी पर व्यापक परिचर्चा आपके साथ आज मैं करूंगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2, यानी भाग 2, जिसको सिटीजनशिप के नाम से जानते हैं, यानी नागरिकता के नाम से जानते हैं, पर जो है परिचर्चा करेंगे। तो भाग 2 नागरिकता पर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं। अभी 19 में आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम आया है, जो बहुत ही जो है व्यापक जो है, ऐसा भी हम मान सकते हैं, परिचर्चा का विषय बना पूरे भारत में। भारत के अलावा विश्व के विभिन्न राष्ट्रों ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहुत सारे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां से भी भारत के कुछ हित में, कुछ भारत के जो है विरोध में, वहां से टिप्पणियां हमें देखने को मिली। तो इन सभी के बारे में 2019 क्या रहा, 1955 क्या रहा, इन सभी पर मैं आपसे यहां बात करूंगा, ठीक है। साथ ही साथ
भारत जितने तरीके की नागरिकता देता है, क्या भारत अभी तक आप पढ़ते हैं भारत जो है एकल नागरिकता देता है, लेकिन मैंने एक दिन आपको लेक्चर में यह बताया था कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, तो उन सभी मुद्दों पर आपके सारे पॉइंट्स आज आपको क्लियर हो जाने हैं। यानी अगर इस क्लास को आपने अच्छे से देख लिया, आप पढ़े हैं फिर भी, और जो लोग नहीं पढ़े एकदम, सभी को डिटेल में पढ़ने के लिए आपको बहुत ध्यान से मेरी क्लासेस को देखना है, ठीक है। आपके हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से यहाँ क्लियर होंगे, क्योंकि जो भाषा मैं इस्तेमाल करता हूं वही चीजें नोट्स में भी होती हैं। तो किन किन मुद्दों पर बात करेंगे, सबसे पहले जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग दो आप पढ़ना प्रारंभ करते हो, तो पहला मैंने बताया था कि भाग एक अनुच्छेद एक से शुरू होता है, अनुच्छेद चार तक भाग एक के अंतर्गत आता है। भाग दो की जब शुरुआत होती है तो यह शुरू होता है आपका किससे, यह शुरू होता है आपका आर्टिकल जो है 5 से, और कहां कब तक कहां तक है, आर्टिकल 11 तक आपका इसका विस्तार है। यानी अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 इतने अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों के लिए भारतीय संविधान में रखे गए हैं। इनमें नागरिकता अगर हम भारत में बात करें कि हमने नागरिकता कहां से कैसी अपने यहां जो है ली गई है, भारत देश एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है, ठीक है। यानी हमारे यहां राज्य भी है, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन किसी भी राज्य को अपनी नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। जो व्यक्ति किसी भी भारतीय राष्ट्र का नागरिक है वह आपके संपूर्ण भारत का नागरिक है। यही चीज अमेरिका जैसे इतर देशों में हम बात करें तो अमेरिका में ऐसा प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के किसी स्टेट का नागरिक है वह अमेरिकी नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि वहां दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत देश में सिंगल नागरिक सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। हालांकि कुछ मायनों में दोहरी नागरिकता भी अपने यहां देखने को मिलती है, तो इन्हीं सब पर बहुत व्यापक परिचर्चा होने जा रही है। सबसे पहले हम समझेंगे नागरिकता, आखिर किसी भी संप्रभु राष्ट्र की जहां बात होती है तो यह विशेषता होती है। नागरिकता किसी भी संप्रभु राष्ट्र की विशेषता है कि हम संप्रभु हैं, हम अपने देश के लिए कानून बनाते हैं, अपने देश के नागरिकों को हम किन किन आधारों पर कौन कौन सी चीजें देंगे वह सब कुछ है। एक नागरिकता भी इसमें बहुत बड़ा जो है आपका पार्ट है। इसीलिए कहीं भी आप किसी भी राष्ट्र की बात करोगे तो सबसे पहले हम उस राष्ट्र के नागरिक की बात करते हैं, नागरिकों के लिए वह राष्ट्र क्या क्या कदम उठाता है उन सभी के बारे में बात करते हैं। तो नागरिकता का रोल बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब मैंने आपको राज्य परिभाषित किया था, आपको ध्यान होगा जब मैं राज्य की परिभाषा सबसे पहले वाले में बता रहा था तो वहां पर मैंने एक पॉइंट का और जिक्र किया था जो आपको अगर ध्यान होगा, ठीक है। मैंने यह आपसे जरूर कहा था कि अगर कोई राष्ट्र है और वह राष्ट्र आपका संप्रभु है, ठीक है, अगर कोई स्टेट है, ठीक है, वर्ल्ड में अगर कोई स्टेट है, स्टेट का मतलब राज्य या राष्ट्र जो भी समझना चाहें या कंट्री, तो उसमें सबसे पहली एक बाध्यता मैंने यह भी बताई थी, मैंने आपको चार कंडीशन बताई थी, उसमें यह बताया था कि उस राज्य में रहने वाले जितने लोग हैं उनका पूरा लेखा जोखा उसके पास होना चाहिए, राज्य के पास होना चाहिए। तो जब लेखा जोखा की बात आएगी तो वह उनके नागरिक ही होंगे। यानी नागरिकों का रोल बहुत ही अहम होता है किसी भी संप्रभु राष्ट्र के नाते। आगे बढ़ते हैं, यहीं से तुलनात्मक अध्ययन ही बहुत सारी चीजों को जन्म देता है, जैसे कि विश्व में हम लोकतांत्रिक क्यों अच्छा है, लोकतांत्रिक क्यों बुरा है, इन सभी के बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक स्पष्ट रूप से, ठीक है, डिफरेंस हम यहां पर खड़ा कर सकते हैं, दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, इन चीजों को बता पाते हैं। तो चलिए बहुत अच्छे से कंसंट्रेट हो जाइए, मैं एक एक चीजों को आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखूंगा और जिस भाषा में आप समझ रहे हैं उसी में बहुत ही सरल चीजों में आपके सामने नजर आएंगी। जी बहुत सारे पॉइंट्स आपने भले ही पढ़ा हो लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपके बहुत सारे पॉइंट्स यहां फिर से, ठीक है, आपके एकदम कॉन्सेप्ट खुल जाएंगे, इसीलिए लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। सबसे पहली चीजें जो मैं बार बार नागरिकता आपके लिए शब्द बोलता हूं, मैंने यह भी बताया कि किसी भी राष्ट्र में दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते, एक तो उस राष्ट्र के यानी जो उनके नागरिक हैं, दूसरा किसी अन्य राष्ट्र के जो उस देश के नागरिक नहीं है। इन्हीं पर से मैं सबसे पहले इन बिंदुओं को शुरुआत करता हूं, आखिर नागरिकता है क्या, महत्व इसका क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, इसका वर्णन भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग हैं, पहले नागरिक और दूसरे विदेशी। भारत में भी दो तरह के लोग होते हैं,
नागरिक भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, इसीलिए उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं एवं अधिकार प्रदान करता है, विदेशियों को नहीं प्रदान करता वह सुविधाएं जो विशेष तौर पर अपने केवल नागरिकों के लिए है। यहां इसे प्रश्न बनना प्रारंभ होते हैं। अनुच्छेद 15 केवल भारत के नागरिकों को दिया गया है, यह विदेशियों को प्राप्त आपका अधिकार नहीं है। समझ गए? यानी धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग और जन्मस्थान के भेदभाव में अगर देखा जाए, इसके खिलाफ अधिकार जो है, ये चीजें अगर देखें, ठीक है, तो ये जो नीति की गई है इसमें सबसे बड़ी चीज है कि ये भेदभाव की नीति यहां पर नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, मतलब यह विशेष है, आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा अधिकार आपका क्या है, भारत सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया गया है, विदेशियों को नहीं दिया गया है। तो इन चीजों को अच्छे से समझिएगा। 15 हो गया, अनुच्छेद 16 हो गया, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसरों का अधिकार भी जो है इनको नहीं दिया जा सकता। भाई वो आके यहां अधिकार मांगने लगेंगे अगर विदेशी, तो हम अपने नागरिकों को क्या देंगे। उसके बाद तीसरी चीज है, बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा, संगठन, आंदोलन, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का भी लाभ इनको नहीं दिया जाता है विदेशी नागरिकों को। सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता की योग्यता रखने का जो अधिकार है वह भी विदेशी नागरिकों को नहीं है। जो भारत के केवल नागरिक है उन्हीं को ऐसे पदों पर जो है बिठाया जा सकता है, वही इसके लिए अधिकारी हैं। लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार भी इन्हीं को प्राप्त है जो भारत के नागरिक हैं। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में कोई भी व्यक्ति अगर प्राकृतिक रूप से नागरिक बना है तब भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, अगर वह जन्म से है तब भी, लेकिन अमेरिका जैसे देश में वहां कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति तभी बन सकता है जब जन्म से वह अमेरिका का नागरिक हो, तो वहां पर राष्ट्रपति, कहीं ना कहीं भेदभाव चीजें तो आ ही गई। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान में नागरिकता को लेकर क्या क्या है। भाग दो में अनुच्छेद 511 5 से 11 तक लेकर भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। अगर इनमें देखें, ठीक है, इस संबंध में अस्थाई, परमानेंट और विस्तृत व्यवस्था नहीं की गई है। क्यों? यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिक बने हैं, जो प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में है। संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग संविधान निर्माण के उपरांत यानी 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक बन सकते हैं। पहला, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आए तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। दूसरी बात, एक ऐसा व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है, वो शर्त कौन सी है? यदि उसका जन्म भारत में हुआ या उसके माता पिता कोई का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 साल पूर्व से भारत में रह रहा हो, ऐसा भी व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। अगली चीज, एक व्यक्ति वह जो पाकिस्तान से भारत आया और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों यानी विभाजन से पूर्व, साथ ही साथ निम्न दो में से कोई एक शर्त वह अगर पूरी करता तो वह भारतीय नागरिक हो सकता। यानी भारत का नागरिक बन सकने के लिए 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ होगा। और दूसरी, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो सकता है जो व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पूर्व इधर आया है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने में 6 माह तक भारत निवास आवश्यक है, जो व्यक्ति ऐसे पंजीकरण लेगा। दूसरी बात, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या पितामह, ठीक है, पितामह मतलब आपके दादाजी, पिताजी के पिताजी, भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह क्या भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के तौर पर किया हो।
ये मैं पहली के बारे में सारी चीजें आपसे बता रहा हूं। अब हम पढ़ते हैं नागरिकता का अधिग्रहण। मुझे नागरिकता भारत की लेनी है तो मैं कैसे कैसे यहां पर प्रावधान है, उन प्रावधानों का प्रयोग करते हुए भारतीय नागरिक बन सकता हूं, इन्हीं पर अब हम विधिवत चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, इनमें अपने भारतीय संविधान में जैसी जैसी चीजें आई हैं उन्हीं पर हमें बात करनी है। बहुत अच्छे से आपको कंसंट्रेट होना है, बाकी चीजें मैं बता रहा हूं उनको बहुत विधिवत सुनते जाना है। नागरिकता अधिनियम 1955 की अगर बात करें तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें कहता है। क्योंकि भारत में संविधान बना तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान संसद को बनाने के अधिकार दिए गए। तो 1955 में जो सबसे पहले विधेयक आया नागरिकता से संबंधित, संसद ने जो बना कर दिए, उसमें यह बताया गया कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होंगे। इसमें कोई भी व्यक्ति जन्म से वंशांगत पंजीकरण प्राकृतिक एवं क्षेत्र में समाविष्ट द्वारा क्या हो सकता है, भारत का नागरिक बन सकता है। जन्म से कैसा, जैसा कि 1986 में अधिनियम को संशोधित किया गया, इसके तहत कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो सकता है। जन्म से नागरिक क्या, कोई विदेशी यहां घूमने आया और उसका बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे का जन्म भारत में हुआ, क्या बच्चा जो है भारतीय हो जाएगा? नहीं। इसमें आगे क्या प्रावधान किए गए कि यदि उसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 के बाद लेकिन 30 जून 1987 से पूर्व हुआ है तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। दूसरी बात, यदि वह भारत में 1 जुलाई 1937 को या उसके बाद हुआ है लेकिन उस समय उसके माता पिता भारत के नागरिक हों, यह भी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। तीसरी चीज, वंश के आधार पर जब हम बात करेंगे कि कोई भी व्यक्ति वंश के आधार पर भारत में नागरिक बन सकता है, 1992 को याद करिए, 1992 को हुआ क्या था, 1992 में संशोधित हुआ यह, और यह अधिनियम कहता है कि कोई व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत के बाहर हुआ हो, 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद अगर भारत से बाहर हुआ है तो वह व्यक्ति भी क्या, वंश के आधार पर भारत का नागरिक बनेगा, ठीक है। वह व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है जब उसके माता पिता भारतीय नागरिक हो। अगली बात, पंजीकरण, आप रजिस्ट्रेशन करा के भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन कैसे, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित लोगों की श्रेणी, कैसे लोगों की, जिनको नीचे बताया गया है, यदि पहले से भारत के नागरिक ना हो तो संबंधित प्राधिकरण में भारतीय नागरिक बनने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। कौन कौन से व्यक्ति भारतीय नागरिक बनने के लिए प्राधिकरण जो है प्रार्थना पत्र दे सकते हैं उनके बारे में सुनिए। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो भारत के बाहर अन्यत्र रह रहा है, ठीक है, मूल का मतलब मां बाप कोई उसके भारतीय है, अब वह क्या कहिए, बाहर रह रहा है वह व्यक्ति। दूसरी कंडीशन कह रहा, ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, ऐसा भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकारी होगा, यह रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। तीसरा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन देने से ठीक पूर्व 5 वर्ष भारत में रह चुका हो वो भी आपका क्या हो सकता है, भारतीय नागरिक बन सकता है। वह लोग जो राष्ट्रकुल देशों के नागरिक हैं, ठीक है, वो भी भारतीय नागरिक बन सकते हैं। अगली चीज, भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चे हैं तो वो भी नागरिकता पंजीकरण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगली चीज, नागरिकता की समाप्ति कैसे होगी, इतने तो प्रावधान आपने पढ़ लिए, क्या भारतीय नागरिकता समाप्त भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। वो कैसे होगी, जब आपके कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी भारत सरकार को, ठीक है, या आप स्वयं से ऐसी चीजें करना चाहोगे तो वह पॉसिबल। कैसे भैया, नागरिकता खोने के अपने यहां 3 कारण बताए गए हैं। पहला तो है त्यागना, आप स्वयं से नागरिकता भारत की त्याग दे। दूसरी है बर्खास्तगी, यानी भारत सरकार आपको अपनी नागरिकता से बर्खास्त कर दे। तीसरी है उपदस्सी होना, आपने भारतीय नागरिकता का जो पद रहा वह पद छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, तो इसको बोलते हैं उपदस्सी होना। यानी अगर आपने भारतीय नागरिक के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता जैसे ही स्वीकार करेंगे तो आप भारतीय नागरिक कहीं से भी नहीं रह जाएंगे। तो 3 विधियां भारतीय संविधान में नागरिकता को छोड़ने को लेकर है, इन्हें तीनों को आपको समझना है। पहला चीज है स्वैच्छिक त्याग, मतलब आप अपने मन से अगर भारतीय नागरिकता की त्याग करना चाह रहे तो वहां पर एक भारतीय नागरिक जो अन्य देश का नागरिक है, ठीक है, अपनी नागरिकता तो को त्याग कर सकता है। दूसरी चीज है बर्खास्तगी के द्वारा,
बर्खास्तगी तब होगी आपके विरुद्ध यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। तीसरा है आपदस्ता द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिक को आवश्यक रूप से बर्खास्त करना पड़ेगा। कब? यदि नागरिकता को फर्जीवाड़े से किसी ने प्राप्त किया है, ग्रहण कर लिया है, तो केंद्र सरकार आपकी नागरिकता को क्या करेगी? बर्खास्त कर देगी। दूसरी बात, यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो तब भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। तीसरी, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ और गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई सूचना दी है तब भी आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। अगली बात बढ़ते हैं, नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो तब भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक रूप से, कोई विदेशी प्राकृतिक रूप से भारतीय नागरिक बन सकता है। कोई भी विदेशी, मान लीजिए उसके मां बाप भारतीय मूल के, भारत के निवासी नहीं रहे, भारतीय मूल के नहीं है, और वह व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसके लिए प्रोसीजर लाया गया कि प्राकृतिक रूप से भी वह भारत का नागरिक बन जाएगा यदि उसने अन्य देश की नागरिकता का त्याग कर दिया है। दूसरी बात, ऐसे देश से संबंधित नहीं हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिकता नागरिक नहीं बन सकते, यह भी ध्यान रखना है। वह व्यक्ति ऐसे देश में से नहीं है जहां पर कोई भारतीय नागरिक जाकर के उसका नागरिक ना बन पाए, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। अगली बात, प्राकृतिक नागरिकता के बाद वह भारत में रहने एवं सरकार के तहत सेवा को जो है उत्सुक हो, ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है तब उसे जो है इस नेचुरल प्रोसीजर के द्वारा जो है क्या करते हैं, हम भारतीय नागरिक बनाते हैं। अगली चीज, चरित्र उसका जरूरी है, अच्छा होना चाहिए। वह संविधान द्वारा संस्कृत भाषा का पर्याप्त ज्ञाता हो, यानी अपने यहां से जितनी भाषाएं बोली जाती है, 22 भाषाओं का जिक्र है, उनमें से कोई एक भाषा उसे बहुत अच्छे से आती हो, ठीक है। ऐसा जरूरी है, किसी एक भाषा में उसका दक्ष होना जरूरी है, क्योंकि भारत में रहेगा तो यहां की भाषा नहीं जानेगा तो वो करेगा क्या, ठीक है, इस वजह से। अगली चीज, क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा कैसे कोई नागरिक बनता है, इस मुद्दे को समझते हैं। किसी विदेशी क्षेत्र का मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था बेरुवारी संघ वाला मामला, या पहला जब अनुच्छेद 3 मैं आपको बता रहा था, और 2 और 3 के उसमें जो है मैंने आपको बताया था कि भारत किसी भी क्षेत्र को जब समाविष्ट करता है तो क्षेत्र समावेशन पर जो उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिक हैं वह भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो ये क्षेत्र समावेशन आखिर क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, इसको समझिए। संविधान कहता है कि किसी विदेशी क्षेत्र का भारत का हिस्सा बनने पर भारत सरकार उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को भारत का नागरिक घोषित कर सकती है। यह क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के भी प्रावधान है। अगली चीज बात आती है, राष्ट्रकुल नागरिकता है क्या। हम पर अंग्रेजों ने क्या किया, राज किया। बहुत विश्व के तमाम ऐसे देश रहे जहां पर अंग्रेजों का जो है उपनिवेश रहा, यानी औपनिवेशिक शासन, या जिसको हम कॉलोनियल रूल बोलते हैं, वो रहा। तो जितने भी लोग अंग्रेजों के आपके गुलाम रहे वो उन सारे राष्ट्रों ने मिलकर एक जो है विशेष तरीके से समूह बना रखा है जिनको राष्ट्रकुल बोलते हैं, और उनमें जो सदस्य हैं वह राष्ट्रकुल नागरिकता के अधीन आते हैं। तो भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 जो कहता है राष्ट्रकुल नागरिकता के सिद्धांत को स्वीकारता है, यानी किसी भी राष्ट्रकुल देश के नागरिक को भारत के राष्ट्रकुल नागरिक की स्थिति प्राप्त होगी अपने यहां, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली चीजों को ध्यान दीजिए। विदेशी निवासियों के विशेष दर्जे आखिर भारत में क्या क्या है, इन चीजों पर बहुत विधिवत हमें परिचर्चा करनी है। बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको आज तक नहीं समझ में आए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आप सबको समझ जाएंगे, यहां सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए भैया, ऐसे लोग जो विदेश में रहते हैं उनको भारत सरकार नागरिकता से भिन्न एक विशेष दर्जा देती है जिसका संबंध उस व्यक्ति को भारत सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं से होता है। विशेष दर्जों में 3 दर्जे महत्वपूर्ण हैं, इन्हीं को समझिए। सबसे पहली चीज आती है जो आप बार बार शब्द को सुनते हैं, NRI, यानी अनिवासी भारतीय, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रेजिडेंट्स इंडियन, यानी अनिवासी जो यहां रहने वाले नागरिक नहीं है। दूसरे जो होते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति, जिनको हम PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ऐसे भी व्यक्तियों को कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं। तीसरी बात होती है भारत के समुद्र पारीय नागरिक, जिनको OCI बोलते हैं,
यानी ओवरसीज जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, ऐसे भी व्यक्तियों को विशेष दर्जे दिए जाते हैं, विशेष सुविधाएं। अब अनिवासी भारतीय जो होते हैं इनके बारे में पढ़िए कि नॉन रेजिडेंट्स जो आपके इंडियंस होते हैं ये होते कौन है। ध्यान दीजिए, अनिवासी भारतीय भारत के ही नागरिक होते और भारतीय पासपोर्ट धारण करते हैं पर नौकरी या व्यवसाय आदि करने के लिए ये देश से बाहर ही रहते हैं। यदि कोई भारतीय जो देश के बाहर कुछ ज्यादा ही लंबा रह गया या यूं कहें कि अनिश्चित काल के तक भारत से बाहर रहने की है तो उसे भी एनआरआई का दर्जा दे दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अन्य विदेशी नियुक्तियों पर भेजे गए व्यक्तियों को भी अनिवासी भारतीय का दर्जा दिया जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है। दूसरी बात, भारतीय मूल के व्यक्ति जिनको हम PIO बोलते हैं यानी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी जिनके मां बाप दादा दादी कोई भी यहां से जुड़ा रहा है, उस व्यक्ति को भी विशेष सुविधाएं मिलती हैं। समझिए कैसे, ये भारत के नागरिक नहीं होते हैं जिनको हम PIO बोलते हैं, ये वे व्यक्ति होते हैं जो खुद या उनके पूर्वज भारत के नागरिक रह चुके परंतु वर्तमान में ये किसी और देश के नागरिक हैं। ऐसे व्यक्ति को हम ठीक है किसके अंतर्गत, POI के अंतर्गत रखते हैं। नियमों के अनुसार जिन व्यक्तियों के पास कभी भी भारतीय पासपोर्ट रहा है या उनके पेरेंट्स या ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर में से कोई 1935 के भारत शासन अधिनियम में परिभाषित भारत या किसी ऐसे क्षेत्र जो कालांतर में भारत का हिस्सा बन गया हो तो उस व्यक्ति तथा उसे वैवाहिक संबंधी मतलब जो उसके बच्चे होंगे उसे को भारतीय मूल का व्यक्ति माना जाता है, PIO मानते हैं। समझ गए, तो भारतीय मूल क्या होता है, जो व्यक्ति पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान या चीन का नागरिक है या कभी रहा है तो वह जो व्यक्ति होगा PIO की श्रेणी में शामिल नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति PIO की श्रेणी में कभी नहीं आता है। हाँ, भारत सरकार अगर चाहे तो उसको यह विशेष जो है दर्जा दे सकती है। अगली बात, भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए भारत सरकार ने 2002 में एक कार्ड जारी किया था जिसका नाम था PIO कार्ड। इस कार्ड धारकों को कई विशेष सुविधाएं प्रदान की गई थी। नागरिकता अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है कि यदि कोई भारतीय मूल का व्यक्ति PIO कार्ड होल्डर भारत का नागरिक बनना चाहता तो उसे कम से कम 7 वर्षों के लिए भारत में निवास करना होगा, तब जाकर भारत की नागरिकता के लिए वह आवेदन कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि ओवरसीज सिटीजंस क्या होते हैं, इनके बारे में बात कर लें, यानी समुद्र पारीय नागरिक किन्हें हम कहते हैं भारत में। यह एक विशेष दर्जा है जो भारत सरकार ने 2005 से देना शुरू किया। कब से प्रारंभ हुआ है यह पूछा जाता है, 2005 से जो है यह प्रारंभ हुआ है। इससे संबंधित जो प्रावधान है नागरिकता अधिनियम 1955 में अनुच्छेद 7A, 7B, 7C, 7D में निर्देशित हैं। प्रावधान कुछ इस प्रकार से हैं, समझिए। OCI के लिए वही नागरिक एलिजिबल है जो पाकिस्तान या बांग्लादेश या भारत सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य देश का नागरिक ना कभी था और ना वर्तमान में होना चाहिए, OCI उसे ही हम बोलेंगे, ठीक है। साथ ही साथ नीचे दिए गए शर्तों को भी उसे पूरा करना पड़ता है। कौन कौन सी शर्तें हैं, पहली शर्त तो यह है यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है पर भारतीय संविधान लागू होते समय उसके बाद कभी भारत का नागरिक नहीं रहा है। दूसरी शर्त क्या है, यदि वह किसी अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान के प्रारंभ होने के समय भारत का नागरिक होने की अर्हता रख रहा, यानी आसपास किसी ऐसे भूभाग में पैदा हुआ हो या उसके मां बाप यहां पैदा हुए थे। तीसरी बात, यदि वह किसी दूसरे देश का नागरिक है पर किसी ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता जो 15 अगस्त 1947 के पश्चात भारत का अंग बन गया, तब भी वह व्यक्ति क्या होगा, आपका OCI कार्ड धारक बन सकता है। अगली चीज, यदि वह उपरोक्त तीनों वर्गों में शामिल हुए व्यक्ति का बेटा बेटी या पोता पोती या नाती या नातिन है तब भी उसको यह नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं नागरिकता जो संशोधन विधेयक आया 2019 वाला, सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा जिस पर तमाम बवाल आपको देखने को मिले, ठीक है, बहुत सारी चीजें रही। तो यह जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है इसके द्वारा, चूंकि सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं नागरिकता से संबंधित सवाल लगभग सभी में पूछे जाते हैं, तो इसी पर थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं, बस आप समझ जाएंगे कि चीजें हैं क्या। भैया ये जो बिल रहा नागरिकता संशोधन विधेयक बिल,
यह एक ऐसा बिल है जो किसी पाकिस्तान, ठीक है, जो कि किसे पाकिस्तान से, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले छह समुदाय, ध्यान रखिएगा, छह समुदाय के अवैध शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने की बात करता है। इन छह समुदायों, हिंदी, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन तथा पारसी में, इन देशों से आने वाले मुसलमानों को यह नागरिकता नहीं दी जाएगी। यानी यह सिर्फ हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन तथा पारसी समुदायों को ही, यानी जो वहां पर अल्पसंख्यक है, ऐसे लोगों को ही भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन जो विधेयक रहा 1955 अमेंडमेंट वाला, इसको थोड़ा सा समझिए। यह पांच शर्तों को बताता है कि भारतीय नागरिकता है क्या। अभी इसके बारे में आगे और चर्चा करेंगे 2019 वाले में। उससे पहले हमें नागरिकता, जैसे वहां पर उसने बताया कि छह आपके ऐसे समुदाय, मतलब उससे जुड़े लोग हैं, धर्म से जुड़े लोग हैं, जिनको भारतीय नागरिकता मिलेगी। तो भारतीय नागरिकता इससे पहले किस किस तरीके से प्राप्त होती थी, इसको जानना आपको जरूरी है। देखो, भारतीय नागरिकता पांच तरीके से आपको प्राप्त होती थी, जो 1955 में आपका आया था, ठीक है, नागरिकता संशोधन, नागरिकता अधिनियम। ये 1955 वाला पांच तरीके की नागरिकता अपने यहां बताता है कि कोई व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक हो सकता, वंशानुगत हो सकता, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट करने के आधार पर नागरिक जो है बन सकता है। इस अधिनियम में सात बार आपके संशोधन हो चुके हैं। 1955 में क्या किया गया, प्राकृतिक रूप से नागरिकता हासिल करने के लिए व्यक्ति को कम से कम 11 वर्ष, एक एक को समझना, व्यक्ति को कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य था, जो कि बाद में घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन नागरिकता विधेयक संशोधन अधिनियम 2019 में इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, पहले 11 साल था, फिर 6 साल हुआ, अब 5 साल हो गया है। अगली चीज को समझिए। दूसरी बात यह है भैया कि नागरिकता संशोधन विधेयक जो 19 वाला रहा, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इसको ध्यान दीजिए। नागरिकता जो अधिनियम 1955 है, इसके तहत किसी व्यक्ति को ओसीआई कार्ड दिया जा सकता, यदि वह भारतीय मूल का, जैसे भारत के पूर्व नागरिक या उनके वंशज या भारतीय मूल के व्यक्ति के जीवन साथी, ठीक है, ऐसे लोग रहे हो तो उनको ओसीआई का दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब 2019 का जो आपका अधिनियम रहा, वह ओसीआई कार्ड को यह सुविधा देता है कि वे भारत में यात्रा करने, देश में काम करने और अध्ययन करने के अधिकारी हैं, ठीक है। ओसीआई जो कार्ड धारक हैं, अब उनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, नागरिकता अधिनियम 2016 में यह प्रावधान था कि किसी ओसीआई कार्ड धारक का कार्ड इन पांच कारणों से रद्द किया जा सकता, वह धोखाधड़ी से रजिस्ट्रेशन प्राप्त अगर किसी ने किया, संविधान के प्रति किसी ने अरुचि दिखाई, युद्ध के दौरान शत्रु से दोस्ती किसी ने बढ़ाई, भारत की संप्रभुता, राज्य या सार्वजनिक हित की सुरक्षा से किसी ने खिलवाड़ किया, तो उसकी ओसीआई कार्ड के रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, समाप्त तो हो सकती, या ओसीआई कार्ड के रजिस्ट्रेशन मिलने के 5 सालों के भीतर उसे 2 साल या अधिक कारावास की सजा सुनाई दे दी गई भारतीय जो है न्यायालय के द्वारा, तब भी उसको क्या कर दिया जाएगा, नागरिकता उसका जो ओसीआई कार्ड धारक का मतलब कार्ड है वह छीन लिया जाएगा। अगली बात, यह 16 की बात हुई थी, अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 19 वाला, मैंने सब कुछ कंपेरिजन करके लिखा है ताकि आप समझ सको आसान भाषा में। जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, इस एक्ट में परिवर्तन कर जो है इसने किया, और यह प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि कोई ओसीआई कार्ड धारक भारत सरकार द्वारा बनाए गए किसी कानून का उल्लंघन करता है तो उसका ओसीआई कार्ड रद्द किया जा सकता है। तीसरा बात क्या है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यह कहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर क्या क्या, अवैध प्रवासियों को प्रवेश की तारीख 31 दिसंबर 2014 से पहले से भारत का नागरिक माना जाएगा। यानी अगर आप जो है भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपको 2014 से पहले से यहां भारत की नागरिक जो है नागरिकता मानी जाएगी कि आपको मिल चुकी है। दूसरी बात, उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद हो जाएगी। तीसरी बात, हालांकि असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर प्रावधान लागू नहीं होंगे, ठीक है। अगली बात को समझिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2016 में यह प्रावधान था कि प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए इन व्यक्तियों, किनको किनको, अफगानिस्तान से आए हुए, बांग्लादेश से आए हुए और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को
कम से कम 6 वर्ष भारत में रहना होगा। पहले यह प्रावधान 2016 वाले में किया गया था, लेकिन जब यह नया बिल आया तो इस 6 वर्ष की लिमिट को घटाकर अब 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, यानी वो भारत में रहने के 5 साल बाद ही भारत के नागरिक बन जाएंगे। अब इनसे संबंधित अगर मैं अनुच्छेदों की बात करूं कि किस अनुच्छेद में, मैंने बताया कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, तो किसमें क्या है, कभी कभी डायरेक्ट मैचिंग से संबंधित सवाल पूछ लेता, तो इन जो है अनुच्छेदों को समझ लें। अनुच्छेद 5 जन्म से भारत का नागरिक हो ऐसा परिभाषित करता है, यानी इसके बारे में भारत के जो है जन्म से नागरिक बनने के लिए अनुच्छेद 5 आपका डील करता है। दूसरी चीज, अनुच्छेद 6 किससे डील करता है, पाकिस्तान से जो व्यक्ति यहां माइग्रेट करके आए हैं उन ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के लिए अनुच्छेद 6 डील करता है। अगली बात हम करें, अनुच्छेद 7 किससे डील करता है, भारत से पाकिस्तान को आवजन यानी माइग्रेट करने वाले व्यक्ति की नागरिकता से अनुच्छेद 7 आपका डील करता है। उसके बाद अनुच्छेद 8 के बारे में अगर बात करें किससे डील करता है, भारत में जन्मा हो परंतु विदेश में रहता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत का नागरिक है वह भी भारत के नागरिक होंगे ऐसा बोला जाता है। यह डील आपकी अनुच्छेद 8 में कही गई है। ठीक है, अनुच्छेद 9 क्या बोलता है, 9 कहता है कि विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक ना होना, इसके बारे में जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 9 डील करता है। 10 11 में क्या है, अनुच्छेद 10 आपका बोलता है कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता कैसे चलती रहेगी, इनसे डील करता है आपका अनुच्छेद 10। और अनुच्छेद 11 जो है यह संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने से संबंधित है। ठीक है, तो कई बार पूछा गया है यह, इसीलिए मैंने आपको कौन से अनुच्छेद में किस विषय को कहा बताया गया है मैंने आपसे परिचर्चा की। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद आपके पूरे पॉइंट इससे जो है नागरिकता से संबंधित सब कुछ आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, ऐसे ही पढ़ते रहिए, पूरी डिटेल क्लासेस पॉलिटी की मिल जाएंगी, जहां से आपको किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न आपके गलत होने के चांसेस नहीं रहेंगे। मस्त होकर पढ़िए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।